जी सर, कहाँ से आ रहे हो? सर देहरादून से। ये वो ट्रक है जो हमें करोड़ों दिलवा सकता है। जनपद टिहरी गढ़वाल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। What's up everybody? This is Vivek Rawat and you all are watching Gadwal Explorers another vlog. अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल की तरफ। हम मुझे जा रहे हैं वाया नरेंद्र नगर। ये रहा सामने का व्यू। अभी मेरे सामने है ऋषिकेश जो फॉग से पूरा भरा हुआ है। तो व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:15। मैं अभी नरेंद्र नगर पहुंचने वाला हूं। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा पर पूरे कंटेंट से भरा हुआ होगा। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर एक छोटा सा नगर है, पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ऋषिकेश वाला जो रास्ता था ऋषिकेश टू श्रीनगर डायरेक्ट टोटा घाटी होते हुए, उसमें इतना ज़्यादा डस्ट था इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है। इसलिए हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर वाले रास्ते पर। इसमें भी यहाँ पर अभी धूल देखने को मिल रही है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चंबा 42, ओके, उत्तरकाशी 150। यहाँ पर उतराई का फायदा उठाते हुए हम न्यूट्रल में भी 50 की स्पीड आसानी से गेन कर रहे हैं। अभी हैं हम भंडार गांव के आसपास। यहाँ पर एक रास्ता जाता है गजा के लिए जो देवप्रयाग में मिलता है, पर हमें जाना है चंबा, क्योंकि चंबा होते हुए हमें चंद्रबंदी के पास के गांव में अपने दोस्त को ड्रॉप करना है। इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं चंबा बाज़ार में। मुझे जाना है सीधा आगे और ये रास्ता मुझे पहुंचा देगा THDC डैम में। यहां पर हम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। घर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। इसके बाद हम सीधे रुकेंगे THDC डैम के आसपास। आप लोगों को मेरे सामने एक झील नज़र आ रही होगी जो कि है THDC झील। इसी के साथ साथ चलते चलते हम पहुंच जाएंगे THDC डैम। ये झील काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और लंबी है तो हमें इसी के साथ साथ चलते रहना है। और अभी हम पहुंच चुके हैं THDC चेकिंग पॉइंट पर। यहाँ पर CISF के जवान चेकिंग करते हैं। तो भैया जी सर, सर श्रीनगर, सर देहरादून से।
अपन लोग चले। बात करूं अगर THDC डैम की, तो ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी हाइट करीब करीब 261 मीटर है। ये डैम 1000 मेगावाट शक्ति उत्पादन करता है और उसमें तीन फेस है, फेस 1, फेस 2 और फेस 3, जिसके बाद इसकी जो शक्ति उत्पादन की क्षमता है वो हो जाएगी 2400 मेगावाट। और अभी हम आ चुके हैं डैम के एग्जिट पॉइंट पर। सीधे निकलेंगे ऊपर। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं THDC डैम के ऊपर और ये रहा मेरे पीछे का व्यू। तो भाई टाइम हो गया है इवनिंग के 4:53 और हम लोग निकल गए हैं THDC डैम से। तो भाई आगे मैं चल रहा हूँ और मेरे पीछे आ रहे दीपक भाई। यहाँ पर हम बाइक को लीन करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी मेरे ठीक सामने है चंद्रबदनी माता टेम्पल और टाइम हो गया 5:21। जल्दी अंधेरा होने वाला है तो फटाफट आके बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल 44, हिसरा खाल 17, चंद्रबदनी माता 7 और वो रहा ऊपर चंद्रबदनी माता का मंदिर। टाइम हो गया आपका 5:50। अभी हम चंद्रबदनी वाले रूट से नीचे निकल रहे हैं। अच्छा हुआ कल रात को मैंने घंटा घर पे जो हेलमेट का वाइजर था वो वाइट वाला लिया। अगर मैं रेनबो या ब्लैक शेड वाला लेता तो मुझे इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं दिखता। और बिना वाइजर लगाए भैया इतना ठंडा है मैं क्या बताऊं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ऋतिक भाई को छोड़ने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। ओके, अब आ चुके हैं हम फिर से ब्रांच रोड में। अभी ये हमें से लछमोली में मिलाएगी भाई। कतई मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसी सिचुएशन है कि भगाएंगे, ठंड लगेगी, अंधेरा काफ़ी है। पर है ये वाली एक दारू की फैक्ट्री। तो
ये एक शराब की फैक्ट्री है प्राइवेट लिमिटेड। ये वो ट्रक है जो हमें करोड़ों दिलवा सकता है भैया। इसमें जा रही है दारू जिससे भारत सरकार को जाता है सबसे ज़्यादा टैक्स। तो ये जो दारू जा रही है ये हमारे शराब, इसलिए ये है शराब का ट्रक जो कि जा रही है देवप्रयाग में बनी फैक्ट्री से। अभी मैं करोड़पति होता अगर ये ट्रक मेरे होते। इसी के साथ दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मलेथा हाईवे पर, तो फटाफट से स्पीड बूस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं RVNL रनिहाट साइट पर, वहाँ पर हमें दूसरी वाली बाइक को ड्रॉप करना है। भैया ने फंसा दिया वहाँ कार। तो दोस्तों हमने बाइक को ड्रॉप कर दिया है, अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ हमारी देहरादून की जो यात्रा थी वो समाप्त हो गई है। धन्यवाद।